कानपुर जिले में चल रहा आवास योजना के नाम पर बड़ा खेल। पात्र लाभार्थी को नहीं मिल रहा आवास योजना का लाभ। अधिकारियों की सांठ गांठ से अपात्रों को मिला आवास योजना का लाभ। एक ही परिवार में तीन सदस्यों को जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते मिला आवास योजना का लाभ। पति पत्नी के नाम पर बने सरकारी आवास, शिकायत के बाद हुई जांच में सही पाया गया मामला। जांच के बाद भी अब तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। सरकार के आदेशों को दरकिनार कर ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी आवास योजना में कर रहे भ्रष्टाचार। मामला प्रकाश में आने के बाद शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही में जिम्मेदार कर रहे खानापूर्ति। डेरापुर विकास खंड के मझगवां ग्राम पंचायत का गांव मिर्जापुर खुर्द का मामला। दादा क्या नाम है? राम बाबू। कौन सा गांव है? मिर्जापुर। दादा आपके गांव में एक व्यक्ति ने तीन बार आवास का योजना का लाभ लिया, क्या है मामला? हाँ लिया है। कौन है? राजेंद्र सिंह। अपने बतवानियों को, भतीजे को, भाई को, सभी को लेकर। दादा आरोप ये भी लग रहा है कि इन्होंने ग्राम सभा की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। तो आखिर में कई जगह कर रखा है, तो कार्रवाई कोई अधिकारी नहीं करता है? आती हैं बस लेते के चले जाती हैं। दादा यूपी में प्रदेश की बीजेपी की सरकार है और गरीब को आवास नहीं मिल पाता है, और ऐसे व्यक्ति को तीन तीन बार आवास मिल गया, कहाँ कौन अधिकारी इतनी कहने की? ये सब साठ गांठ करके ले लेते हैं ब्लॉक स्तर से। ये राजेंद्र सिंह का है और इनकी औरत का है, दो कालों ने दिए। जांच टीम आई थी यहाँ जांच करने? आई थी। क्या पाया गया? यही पाया गया। तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं, तो ये जो आवास लिया ये कौन है कि मतलब कोई प्रधान है क्या है? ना ये कोई प्रधान नहीं कुछ है। बीडीसी हैं क्या? बीडीसी पहले थे। तो उन्होंने अधिकारियों साठगढ़ करके लिया है, साठगढ़ करके लिया, रवि शुक्ला से लिया। तो कार्रवाई आखिर में क्यों नहीं, जिले के अधिकारी कर रहे हैं इस पर? अब हम क्या बताएं सर, खाते पीते हैं यहाँ, आगे ठंडा पिया दो, चाय पिया दे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।